सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देता हुआ दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति हिमालय ड्रग कंपनी का मालिक है। रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन है, सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे एयरटेल के लो, चाहे वोडाफोन के लो, जिसके लो, लेकिन रिलायंस की कमर तोड़नी है, इसलिए रिलायंस का जियो लेना इस्तेमाल करना बंद करो, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं, कोई उत्पादन उसका खरीदने के नहीं है। और इसके साथ साथ ये रामदेव, इस रामदेव के जितने भी उत्पादन हैं, वैसे ही बिल्कुल बेकार हैं। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है, और गाय और गोबर ही खिला रहा, और क्या कर रहा है वो, इसको बंद करो। इस व्यक्ति को मुस्लिम बताते हुए वीडियो को सांप्रदायिक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो में टाइम्स एक्सप्रेस वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी का लोगो लगा हुआ है। यूट्यूब चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने यह वीडियो 26 जनवरी 2020 को अपलोड किया था। वीडियो के टाइटल में ही आपको भानु प्रताप सिंह का नाम दिख जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम भानु प्रताप सिंह है, और उन्होंने CAA पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद में धरने पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी। भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष और वकील हैं। यहीं आपको ये भी बता दें कि हिमालय ड्रग कंपनी के संस्थापक मोहम्मद मनल थे, जिनका 1986 में ही निधन हो चुका है। कंपनी के वर्तमान CEO शैलेंद्र मल्होत्रा हैं।